जिस कौम की बच्चियां नाच गाने को अपना शियार और शौक बना लें, उनकी नस्ल से अब खालिद बिन वलीद नहीं पैदा हो सकते, नाचने वाले ही पैदा होंगे। मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हो सकते, तारिक बिन ज़ियाद नहीं पैदा हो सकते। मुझे सलाहुद्दीन याद आया, मैं बहुत रोया। वो भी किसी मां का जना ही हुआ था। उसके जमाने में करक, एक हमारे पाकिस्तान में करक है, एक उर्दुन में करक है, ऊंची पहाड़ी पर वो शहर है, बड़ा दुश्वार किला है। उस पर एक हुक्मरान था ईसा, उसका नाम था रिजनॉल्ड। तो करक के करीब से काफले गुजरते थे हज के, तो उसने एक दफा हाजियों के काफले पे हमला किया और कहने लगा, बुलाओ अपने मोहम्मद को तुम्हारी मदद कर। और सारे हाजियों को तातेक कर दिया। और दूसरी दफा उसने बहरी बेड़ा तैयार किया और मदीने पर हमला करने के लिए वो बंदरगाह तक पहुंचा यम्बू की, लेकिन मौसमी हालात साजगार न थे तो वापस हो गया। तो हित्तीन की लड़ाई हुई है फलस्तीन में, जिसमें सारा यूरोप अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरा था और इधर तनहा सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अकेला उस लश्कर से टकराया था और उन्हें उसमें सारी रोमन एम्पायर को शिकस्त हुई थी। तो बड़े बड़े बादशाह उसमें गिरफ्तार हुए, तो उसमें रिजनॉल्ड भी गिरफ्तार होकर आया। तो कोई 12 बादशाह थे रियासतों के जो सामने उसके पेश किए गए। तो प्यास की शिद्दत से सबका बुरा हाल था, तो सलाहुद्दीन ने सबको पानी पेश किया, रिजनॉल्ड को नहीं पेश किया। तो यरूशलम का जो बादशाह था हमफरे, उसने अपना पानी बचा के उसको दिया। तो सलाहुद्दीन ने कहा, ये पानी तू दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं। इस्लाम में ये है, जब किसी को पानी पिला दो तो उस पर तुम हाथ नहीं उठा सकते, ये अमन की निशानी। तो सलाहुद्दीन ने फौरन उसे कहा, ये हाथ, ये पानी तूने दिया, मैंने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने रिजनॉल्ड को इस्लाम की दावत दी कि तू मुसलमान हो जा, मैं तुझे दावत देता हूं। उसने इनकार कर देखा, मैं नहीं होता। तो उसने तो उन्होंने कहा, मैंने तेरे कत्ल की 2 दफा कसम खाई थी। एक जब तू मदीने पे हमला आवर हुआ था तो मैंने कसम खाई थी मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल करूंगा, और दूसरी दफा जब तुमने हाजियों पे हमला करके कहा था बुलाओ मोहम्मद को, तो मैंने कसम खाई थी कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं अपने हाथ से तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। आज मोहम्मद का अदना गुलाम तेरी उस बात पर ये फरीजा अदा करने के लिए आ रहा है। और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई, वो पीछे लटक गई, पूरी नहीं उड़ी, पीछे लटक गई, खौफनाक मंजर बन गया। तो सारे बादशाहों पे कब कभी तारीफ हो। तो सलाहुद्दीन फरमाने लगे, हमारे मजहब में ये नहीं है, बादशाहों के साथ हम बादशाहों जैसा ही सलूक करते हैं। पर ये हुदूद से आगे चला गया था। अब ये मुझे ये किस्सा भूला हुआ था, मुझे इन्हीं हादसों में, इन्हीं हंगामों में वो याद आया। तो बात तन्हाइयों में बैठ के बेबसी के आंसू बह जाते हैं और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारी सारी नस्ल मौसीकी में डूब चुकी है, जो बदन सुरताल पे थरकते हों, जो बदन मौसीकी के ऊपर हिलते हों, रक्स में आते हों, उन पे कांटे ही हो गएंगे, उन पे सलाहुद्दीन का फूल नहीं उग सकता, उनमें मोहम्मद बिन कासिम के फूल नहीं उग सकते। बांझ हो गई है हमारी नस्ल, और ये यूरोप का शहर जो चल गया है, हमारी बेबसी है, हमारी बेबसी है। मैं तो बस मिन्नत ही करूंगा, अपने आप को पहचानो, अपनी हस्ती हैसियत को पहचानो, अपनी निस्बत बदलो। तुम्हारी निस्बत यूरोप के साथ होके अगर मौत आई, बेकीमत हो जाएंगे। अगर मदीने वाले की निस्बत मिल गई तो हज़रत फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा, हज़रत खदीजा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा। ये चंद दिन हैं, सब्र कर लो,
घुट घुट के मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरक की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आजादी, ये आवारगी, ये मगरिब की औरत का खासा है। और 18वीं सदी तक मगरिब में भी किसी कोई औरत में से नंगी न थी, और घर की जिंदगी थी।